हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की एन्यूटी मेथड। इसके पहले भी हमने डेप्रिसिएशन के बारे में दो वीडियोस देख रखे हैं, जिनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें कई तरह के बेसिक कंसेप्ट जो डेप्रिसिएशन को लेकर है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। डेप्रिसिएशन के मेथड्स क्या होते हैं, नीड क्या होती है, फैक्टर्स अफेक्ट कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन को, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में शेयर की है। उसी के साथ साथ डेप्रिसिएशन का जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में भी मैंने सॉल्व प्रॉब्लम दिया है, जिसमें मैंने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में बात की हुई है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एन्यूटी मेथड की। अब जो एन्यूटी मेथड है, उसमें डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि किसी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रॉब्लम है। मिस्टर राठी एक्वायर्ड ऑन लीज बेसिस अ बिल्डिंग फॉर ₹10,000 फॉर 5 years फ्रॉम 1 January 2015। ही डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन बाय एन्यूटी मेथड, चार्जिंग इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। The annuity table shows that an investment of ₹1 at 10% for 5 years yields ₹0.2638 every year for 5 years. Books are closed as 31st December each year. Show calculation of annual depreciation and lease account for 5 years. अब हमने इस प्रॉब्लम को अच्छे से रीड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हमें बताया है कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है, उसका कैलकुलेशन करना है, और साथ ही साथ हमें लीज अकाउंट बनाना है 5 years के लिए। तो चलिए हम हाईलाइट करती है हमारी प्रॉब्लम को। हमारे प्रॉब्लम में हमें बताया गया है कि मिस्टर राठी जो है, उन्होंने एक बिल्डिंग जो है वो लीज बेसिस पर एक्वायर की गई है। अब वो जो बिल्डिंग लीज बेसिस पर एक्वायर की गई है, उसकी अमाउंट है ₹10,000 और वो परचेस की गई है 1 January 2015 को। अब उन्होंने डेप्रिसिएशन के लिए एन्यूटी मेथड को चूज़ किया है। अब एन्यूटी मेथड से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डेप्रिसिएशन देंगे और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट भी देंगे 10% पर एनम। यानी कि एन्यूटी मेथड जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इंटरेस्ट भी आ जाता है, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% पर एनम से हम दे देंगे। साथ ही उन्होंने आगे हमें बताया है एन्यूटी टेबल की वैल्यू। अब जो एन्यूटी टेबल में ₹1 की वैल्यू 10% से 5 सालों के लिए जो बताई गई है, वो है 0.2638। तो ये हमारी वैल्यू हमें हमारी प्रॉब्लम में ही दी गई है। अब जैसे कि हमें पता है कि जब एन्यूटी मेथड हम यूज़ करते हैं, तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, और ये जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, वो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे हमारी एसेट की ओपनिंग बैलेंस पर। यानी कि हर साल एवरी ईयर हमारी एसेट की जो ओपनिंग बैलेंस होगी, उस ओपनिंग बैलेंस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। उसी के साथ साथ हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि सेम ईयर में, एवरी ईयर में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि लीज डेप्रिसिएट जो होता है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ डेप्रिसिएट करता है। तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होगी वो सभी ईयर्स के लिए सेम रहेगी। उसी के साथ साथ कैलकुलेशन जो होगा डेप्रिसिएशन का, वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम एन्यूटी टेबल के सहारे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, अब ये किस तरह से होता है। अब जैसे कि हम एन्यूटी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो एन्यूटी टेबल के सहारे हमें ये कैलकुलेशन करना होता है हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन का। अब जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि ₹1 के लिए एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो एन्यूटी टेबल के हिसाब से 0.2638 है। अब हमारी जो कॉस्ट है एसेट की, वो कॉस्ट है ₹10,000 की।
अब जब एक रुपए के लिए 0.2638 रुपीज़ का एनुअल डिप्रिसिएशन होगा तो 10,000 रुपीज़ के लिए एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो इसका इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऐसे बनेगा 0.2638 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो एनुअल डिप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 2,638। सो एनुअल डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है जो आता है 2,638। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको लॉग टेबल्स के बारे में पता है, लॉग टेबल्स हमें हेल्प करते हैं हमारी कैलकुलेशन में, जैसे कि स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स है, क्यूब और क्यूब रूट्स है, उसको कैलकुलेशन निकालने के लिए लॉग टेबल हम यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली सिमिलरली उसी की तरह एन्युइटी टेबल जो है वो एन्युइटी टेबल भी हमें हेल्प करते हैं हमारी जो एक रुपये यानी कि 1 रुपी की वैल्यू होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स में। अब जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमने एन्युइटी टेबल की वैल्यू जो है वो 1 रुपये की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर कैलकुलेट की है, और वो 1 रुपी की जो वैल्यू है वो 10% इंटरेस्ट रेट के साथ है, और 10% इंटरेस्ट रेट के साथ 5 ईयर्स के लिए वो अमाउंट आई हुई है। तो एन्युइटी टेबल वो अमाउंट देता है 0.2638 रुपीज़ का। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट हमारी एन्युइटी टेबल हमें दे देती है। तो एन्युइटी टेबल को भी हम लॉग टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार हमारी प्रॉब्लम में ही उन्होंने ये सारी अमाउंट दे दी हुई होती है, क्योंकि आजकल लॉग टेबल्स या एन्युइटी टेबल्स एग्जाम में अलाउड नहीं करते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों को दी जाती है। तो उस वैल्यू के हिसाब से हम लोग हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने किया। यहाँ पर हमने हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन जो 1 रुपी के लिए दिया गया था वो 10,000 हमारी जो कॉस्ट है उसके ऊपर हमने उसको कैलकुलेट करके ले लिया है। अब हमारा जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आया है वो है 2,638। अब ये जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट है ये अमाउंट सारे ईयर्स के लिए सेम रहेगी, यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस की तरह हम लोग हर ईयर में सेम अमाउंट से हमारी एसेट को डिप्रिसिएट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने एनुअल डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर दिया है। अब हम बनाएंगे हमारा लीज अकाउंट। अब लीज अकाउंट जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर लीज अकाउंट का एक फॉर्मेट है, यानी कि हमें एक लेजर अकाउंट बनाना है, तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट हमें बनाना होता है। तो डेबिट साइड में आप देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट है, और क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे कि हम लीज अकाउंट बना रहे हैं, हमारी पहली एंट्री होंगी, जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि 1 जनवरी 2015 को लीज पर बिल्डिंग ली गई थी जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000 रुपीज़, तो उसकी एंट्री हम यहां पर कर देते हैं। हमारी डेबिट साइड में ये एंट्री आएगी, डेट में हम लिख देंगे 1 जनवरी 2015। अब लीज पर बिल्डिंग परचेस की है यानी कि एसेट हमने परचेस कर लिया है, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, और अमाउंट थी 10,000 रुपीज़, सो अमाउंट में 10,000 रुपीज़ हम लिख देंगे। इस तरह से हमने हमारी पहली एंट्री कर दी है। अब 1 जनवरी को हमारा एसेट हमने लीज पर ले लिया है। अब इस एसेट के ऊपर जैसे कि हम एन्युइटी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। अब जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है उसका रेट हमें दिया गया है 10%, यानी कि जो 10,000 की बिल्डिंग है उसके ऊपर हमें 10% से इंटरेस्ट देना है, और ये जो इंटरेस्ट देना होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर देना होता है हमें, तो हम हमारे ईयर एंड पे इंटरेस्ट को भी दे देंगे। अब 10,000 की कॉस्टिंग पर 10% इंटरेस्ट जो है वो 1,000 आएगा, तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 दिसंबर 2015 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000 रुपीज़, 10,000 पर 10% 1,000 आएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट दे दिया है। अब ईयर के एंड में सबसे मेन बात जो हमें देनी है वो हमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है। अब डिप्रिसिएशन की अमाउंट अभी अभी हमने कैलकुलेट करके रख दी थी, तो ईयर एंड में हम हमारी डिप्रिसिएशन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एंट्री हमारी क्रेडिट साइड में आएगी, तो क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2015 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,638, जिसको हमने वर्किंग नोट में निकाल दिया था, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पर डिप्रिसिएशन की दे दी है। अब फर्स्ट ईयर यानी कि 2015 में इतना ही हुआ है, तो अब हम लोग ये फर्स्ट ईयर जो है उसे क्लोज कर देते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि डेबिट साइड एक्सीड होती है क्रेडिट साइड से, तो हम लोग टोटल करेंगे डेबिट साइड से, तो टोटल आएगी हमारी 11,000। अब 11,000 से हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बैलेंस बाकी है, तो ये बैलेंस कैरीड डाउन होगा। तो ये जो बैलेंस कैरीड डाउन होगा उसे हम एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्ट कर लेंगे। 31 दिसंबर 2015 को
टू बैलेंस कैरी डाउन जो गैप है 8,362 रुपीस का, वो यहाँ पर आ जाएगा और ये रहेगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन फॉर द ईयर 2015। तो इस तरह से हमने 2015 के सारे एंट्रीज कर दिए हैं। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन था वो नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, यानी कि 1 जनवरी 2016 को ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,362 को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन्युइटी मेथड में हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एसेट के ओपनिंग बैलेंस पर, यानी कि हर ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस ओपनिंग बैलेंस पर हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब 1 जनवरी 2016 को ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 8,362। अब इसके ऊपर हमें 10% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट हमारा आएगा 836.20। तो हम लोग ये इंटरेस्ट पेड कर लेंगे। 31 दिसंबर 2016 को हम डेप्रिसिएशन भी दे देंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2016 को डेप्रिसिएशन दे दिया है 2,638 रुपीज़ का। साथ ही साथ हमने इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट हम डेबिट साइड में देंगे 31 दिसंबर 2016 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 836.20। अब ये जो अमाउंट है वो 10% है हमारी ओपनिंग बैलेंस के, यानी कि हमारी एसेट की जितनी वैल्यू रहेगी ओपनिंग वैल्यू उस पर हम 10% इंटरेस्ट देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने सारी एंट्रीज कर ली है। अब ये 2016 का ये ईयर जो है इसे भी हमें क्लोज करना है। ऑब्वियसली डेबिट साइड ज़्यादा दिख रही है, तो डेबिट साइड की टोटल हम कर लेंगे, तो टोटल आएगी 9,198.20। तो ये वाली टोटल हम कर लेंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे हम कैरिड डाउन दिखा देंगे। तो 31 दिसंबर 2016 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,560.20 इतनी अमाउंट हमारी आ जाएगी। अब ये जो कैरिड डाउन बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो 1 जनवरी 2017 को हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,560.20। अब 2017 का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इस ओपनिंग बैलेंस पे हमको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 6,560.20 पर 10% इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो आएगा 656.02। तो ये इंटरेस्ट हमें ओपनिंग बैलेंस पर देना होता है। मैं बार बार ये चीज़ को दोहरा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। इंटरेस्ट जो हम प्रोवाइड करेंगे वो हर साल के ओपनिंग बैलेंस पर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2017 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 6,560.20 पर 10% इंटरेस्ट 656.02 इतना आएगा, तो उसे हमने लिख दिया है। अब ईयर एंड को और एक इम्पॉर्टेंट एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, तो उसे हम प्रोवाइड कर देंगे क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की अमाउंट सभी ईयर्स में सेम रहेगी क्योंकि हमने एनुअल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर दिया है एन्युइटी टेबल के हिसाब से। तो अमाउंट जो डेप्रिसिएशन की होती है वो हर साल में फिक्स होती है, सेम होती है। सो 2,638 रुपीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया। अब अगेन हमारी जो डेबिट साइड है वो एक्सीड हो रही है क्रेडिट साइड से, तो हम टोटल कर लेंगे 7,216.22 हमारी टोटल आएगी। तो इस टोटल को हम एडजस्ट कर लेंगे हमारी बैलेंस कैरिड डाउन के साथ, तो 31 दिसंबर 2017 क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,578.22। अब ये जो कैरिड डाउन बैलेंस है इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,578.22 ये अमाउंट हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। हाँ, बैलेंस ब्रॉड डाउन दिखा दिया है हमने। अब ये हमारा 2018 का ओपनिंग बैलेंस है हमारी एसेट का, तो इसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,578.22 पर हमारा जो 10% इंटरेस्ट आएगा वो होगा 457.82। साथ ही साथ हम डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड कर देंगे ईयर एंड को, तो 31 दिसंबर 2018 क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,638 रुपीज़ हम लिख देंगे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम रहेगी।
अब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हम टोटल कर देंगे डेबिट साइड से 5036.04 और हमारा अकाउंट क्लोज कर देंगे। अब अकाउंट क्लोज करने के लिए हमारा बैलेंस कैरी डाउन दिख रहा है यहाँ पर, तो उसकी एंट्री भी हम कर देंगे 31 December 2018 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 2398.04। ये है हमारा गैप अमाउंट। डिप्रिसिएशन हमने दे दिया, टोटल कर दिया था अकाउंट का, और जो गैप आएगा वो होगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। तो 2398.04 बैलेंस कैरी डाउन हुआ है। अब ये जो बैलेंस है वो हमें आगे लेना है। जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया था कि 5 ईयर्स के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो हम 5th ईयर में आ रहे हैं। ये जो बैलेंस कैरी डाउन था उसे हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में। तो 1 January 2019 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 2398.04। अब ये हमारा लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है वो तो 10% से हम देंगे ही, लेकिन लास्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये लास्ट ईयर है और यहाँ पर हमें अमाउंट को एडजस्टमेंट कर देना चाहिए। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे डेप्रिसिएशन। तो 31 December 2019 को हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो डेप्रिसिएशन आएगा 2638 रुपीज़। तो इस तरह से हमारी जो टोटल होगी वो टोटल होगी क्रेडिट साइड के हिसाब से 2638 की। तो इस 2638 रुपीज़ के साथ हमें हमारी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उस इंटरेस्ट की अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो गैप अमाउंट जो आएगा वो गैप अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, तो हमारा गैप अमाउंट आएगा 239.96 रुपीज़, यानी कि 16 पैसे से ये अमाउंट हमने एडजस्ट कर दी है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 16 पैसे से ये अमाउंट हमें वैरी दिखेंगी, लेकिन ये लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है उस इंटरेस्ट की अमाउंट को हमें एडजस्ट करना होता है, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट क्लोज हो जाए और किसी भी तरह का बैलेंस ना रहे। इसके लिए हम ये इंटरेस्ट की अमाउंट को एडजस्ट कर देते हैं। अब एन्युइटी मेथड में जो डेप्रिसिएशन हम देते हैं वो डेप्रिसिएशन हमारी कॉस्ट ऑफ असेट पर देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी हम जो देते हैं वो इंटरेस्ट जो है उसे लॉक्ड अप कर देते हैं असेट में। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस लॉस करता है हमारी वैल्यू ऑफ असेट को, लेकिन साथ ही साथ वो इंटरेस्ट अमाउंट भी अर्न करता है। अगर ये अमाउंट हम लोगों ने किसी इन्वेस्टमेंट में डाल दी होती है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो इसी की वजह से एन्युइटी मेथड में इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। और डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ वैल्यू ऑफ असेट को लॉस नहीं करता, तो साथ ही साथ इंटरेस्ट की अमाउंट को भी लॉस कर देता है, इसी वजह से हम लोग एन्युइटी मेथड में इंटरेस्ट को भी प्रोवाइड करते हैं। अब जो लास्ट इंटरेस्ट है हमारा, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, उसे हमने एडजस्ट किया था, अब उसे हम एडजस्ट कर देते हैं। अब ये जो डिफरेंस होता है एडजस्टमेंट का, वो डिफरेंस कॉज होता है अप्रोक्सीमेशन की वजह से या फिर कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से। तो एडजस्टमेंट जो है वो हम इंटरेस्ट में एडजस्ट करते हैं रादर देन डिप्रिसिएशन की अमाउंट, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो डिप्रिसिएशन की अमाउंट में हम एडजस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है और वो रियल नहीं होता है। सो इंटरेस्ट के अमाउंट में इस अमाउंट को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम हमारा लीज अकाउंट बनाते हैं। लीज अकाउंट में जैसे कि आपने देखा कि हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट पेड किया था, जो इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया होता है, और साथ ही साथ हमने डिप्रिसिएशन भी प्रोवाइड किया है, और उसी के साथ हम क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को देखते हुए हमारी लीज अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरह से एन्युइटी मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड भी कर देते हैं। अब ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि एन्युइटी मेथड से जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, एन्युइटी टेबल का कैसे यूज करना है, जो वैल्यू हमें दी गई थी उसे कैसे कैलकुलेट करना है, और लीज अकाउंट कैसे बनाना है, ये तीनों भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दी है और आपके सामने अच्छे से लिख दी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया है। मैं बहुत जल्द आऊँगी दूसरा प्रॉब्लम एन्युइटी मेथड का लेके, जिसमें हम एक मेजर डिफरेंस को देखेंगे और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए।
अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे डेप्रिसिएशन के नए पार्ट के साथ, नए सॉल्व प्रॉब्लम के साथ और नए एडजस्टमेंट के साथ। तब तक के लिए कीप इन टच, कीप इन ट्यून। बाय।